जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल अंग्रेज़ी वाला आपके साथ मौजूद। और हमारी जो तकरीबन 35 दिन पहले जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हुई, बैच नंबर 13, उसको इससे पहले तक पिछले 35 दिन मैंने सिर्फ अंग्रेज़ी सुनने की ट्रेनिंग करवाई है। तो अब जो सुनने की ट्रेनिंग कर चुके हैं उनकी आज हम पहले दिन जो है वो स्पीकिंग जो है उनकी हम शुरू करें, उनको टेस्ट करना। बल्कि टेस्ट क्या करना कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए इनिशियल तारुफ और बेसिक चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल डे ऑफ स्पीकिंग विद दी स्टूडेंट्स। इसका एक हिस्सा पहले मैं डाल चुका हूँ और बाकी कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे उनका हम तारुफ ले रहे हैं। अभी पिछले यानी एक महीना पाँच दिन तक हमने तकरीबन सिर्फ लिसनिंग की है। जैसे मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, बार बार गाइड करने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर देखने वाले स्टूडेंट्स को कि आप सिर्फ अंग्रेज़ी को सुनना शुरू करें। आपको पढ़ने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बोलना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनना शुरू करें। जब आप सुनने के काबिल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप बोलने के काबिल हो जाएं। तो आज की जो ये वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जो पार्ट टू है इस वीडियो का, इसमें ये आप जो स्टूडेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको सिर्फ मैंने अभी तक लिसनिंग करवाई है, इनको स्पीकिंग नहीं करवाई। और उस लिसनिंग की बुनियाद पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इनकी क्लास आज की स्टार्ट करने से पहले ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे तजर्बे में है ये चीज़ें, कई इस तरह के बैच कर चुका हूँ, कि जब लिसनिंग अच्छी होने लग जाती है तो स्पीकिंग खुद ब खुद ही अच्छी हो जाती है। अभी तक इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ लिसनिंग की है, स्पीकिंग इनको पहले नहीं सिखाई गई, लेकिन टूटी फूटी भी सही आज पहला दिन है इनके स्पीकिंग करने का, बोलने का। तो आप देखें सब स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर हैं कि आप देखें कि जो सिर्फ लिसनिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो अब बोल रहे हैं, आगे जब ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेंगे। आप इससे खुद एक आइडिया ले सकते हैं और ये भरोसा क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ये स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हैं, आप अगले बैच में अपने आप को इन्हीं में से किसी एक सीट पर देखते हुए, अंदाज़ा करते हुए, इमेजिन करते हुए आप भी अगली क्लास में ज्वाइन करें और आप भी इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह पहले दिन से अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो पीछे मैं याकूब का और मलेका का और तारिक भाई का और किसका, किरण का मैं इंट्रोडक्शन ले चुका हूँ। आई एम गोइंग टू फर्दर मोर स्टूडेंट्स, उन सबको मैं तारुक भी ले रहा हूँ उनका, और उनकी आज पहले दिन स्पीकिंग की थोड़े से झजक दूर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। गो के दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स, अभी ये मुकम्मल पुरमाद स्पीकर नहीं है, ना ही ये तवक्को में रखता हूँ कि 35 दिन सिर्फ सुनने से वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएं। लेकिन 35 दिन सिर्फ अंग्रेज़ी सुनने से क्या इम्पैक्ट आया है कि वो कुछ ना कुछ बोलने के काबिल हो गए हैं, ये आपको हम आज तजुर्बाती तौर पर दिखा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा अगले इनकी 20 दिन की वीडियोज़ में से भी कुछ वीडियोज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाएँ, ताकि आपको फ़र्क पता कर चल सके कि पहले दिन, ये जब पहले दिन इनकी क्लास स्टार्ट हुई थी वो भी मैंने पब्लिश की थी यूट्यूब पर। मैं बल्कि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट को तरतीब से देखिएगा कि ये स्टूडेंट्स पहले दिन क्या, इनका लेवल क्या था, आज 35 दिन बाद क्या है और दो महीने के अंदर क्या होगा, ये आप प्लेलिस्ट में देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे सीख पाए हैं। और आप इससे आइडिया लेते हुए आप भी मेरे साथ क्लास शुरू करके आप अपने लिए क्या तवक्कोआत सेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो विद तैयबा नाउ। तैयबा इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट विद मी, शी इज़ बिन लिसनिंग इंग्लिश विद मी, शी इज़ बिन लर्निंग इंग्लिश विद मी फॉर द लास्ट 35 डेज अप्रॉक्सीमेटली। सो लेट्स टॉक टू तैयबा। तैयबा, कैन यू ओपन योर माइक एंड लेट्स सी इफ यू कैन परफॉर्म वेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर स्पीकिंग। तैयबा, आर यू लिसनिंग मी, आर यू देयर, इज तैयबा विद मी? बट आई थिंक तैयबा शुड हैव सम ट्रबल विद हर माइक और समथिंग इन द मीन वाइल। लाइक यस, तैयबा इज सेंडिंग अस अ मैसेज बिकॉज हर माइक इज समथिंग मे बी हैज अ प्रॉब्लम। ओके तैयबा, यू मेंटेन योर थिंग इन अ मीन वाइल, आई विल गो टू अदीला नाउ बिकॉज अदीला हैज बीन द मोस्ट कन्फ्यूज लेडी ड्यूरिंग माई क्लासेज। लेट सी वट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज हैज अदीला हैज अडॉप्ट सो फार, हाउ डिड शी स्टार्ट, वट वॉज हर लेवल by the day she started and where has she reached till this day। Adila, aap apna mic kholein, hum dekhte hain ki aap kahan se shuru hoke kahan tak pahunchi hain abhi tak। Agar Adila ko meri awaaz pahunch rahi hai to aur wo bhi mic apna khol sakti hai। Tayyiba ka to mic open nahi ho raha। Tayyiba, aap rejoin kare,
आप एक मरतबा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें ताकि ऑलराइट सॉरी ओके माय फॉल्ट सॉरी मैंने माइक्स बंद कर दिए थे और मैं अब खोल रहा हूँ अलाउ कर रहा हूँ राइट स्टार्टिंग विद थैयबा क्योंकि मैंने म्यूट ऑल कर दिया था अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम माय अपोलॉजीज इट वाज माय मिस्टेक ओके थैयबा यू आर गोइंग टू टेल अस हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद योर लर्निंग बाय द डे वन स्टार्टिंग फ्रॉम 1st August to this 35th day approximately, taking off the leaves Monday to Friday, takriban humne 35 din ki classes abhi tak li hain. Aapka kaisa tajarba raha hai angrezi ko seekhne ka? But tell in English, yes, so that pata chale ki aapko kuch sunna aaya bhi nahi hai, right? Okay. Yes, sir. My experience was good. To learn English before taking this class, I am not able to talk with my colleagues, my friends in English. And after taking this class, I able to speak in English, not too much good, but a little bit with small sentences and answering his her questions. And now I'm able to good speaker. But you're talking like a confident speaker. It doesn't seem that you have learned from me only, right? What has been your experience on learning English, right? Have you learned anything previously on language, or you're talking based on? No, sir. Mm-hmm. Previously, I don't learn anything from anyone. After taking your class, I am able to speak in English with anyone. Wow, that's very good. But I haven't taught you anything on speaking. I think I've been teaching you only listening, right? Yes, sir. Yes, sir. Do you remember anything we practiced anything on speaking in the previous days? Speaking? Did we speak anything in the previous days or only listening? No, sir. We listening the documentary, songs and movies, cartoons. Because your focus on us to listening the documentary. You say to us ke 50 documentary you listening per day. Not 50 then documentary. Able to speak. One documentary a day, and I said get a target. So per day. I say per day. 50 documentary divided in per day. All right. So one documentary a day. That's what I suggested. And how many documentaries have you watched so far, and what impact have you taken from them? Sir, I have seen only two documentaries. Okay, you have watched only two documentaries. I have seen two documentaries. But how many things have you listened? And second one is the Edge of Universe. The Social Dilemma and the Edge. Journey to the Edge of the Universe. That's what you said, right? Journey to the Edge. How many things have you listened with me during the class? Can you tell something? Remember some things that we listened? Which cartoons and which documentaries and which movie and which music? Do you remember anything that we've listened on? Yes, sir. Last week, we listened the song, The Strength of a Woman. And before this, I listened the documentary. Sorry, we listened the documentary of the Social Dilemma, which is very informative for us. Right. And before this, we listened the documentary of Edge of Universe. Right. Okay, Tayyiba, what would you recommend to the new students who are watching this video? बहुत सारी खवातीन हैं घरों में बैठी हुई. बाकी बात हम उर्दू में करेंगे ताकि हम प्रैक्टिस तो आपकी समझ आ गई कि कितनी आपको समझ आई है अंग्रेजी की. जी सर. बाकी बात जरा उर्दू में करें. जो खवातीन घरों में बैठी हुई देख रही हैं इन वीडियोस को और वो सीखना चाह रही हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है? जी सर, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि जिस तरह हमने यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस देखी हैं, उससे हम इंस्पायर हुए हैं और हमने आपको कॉन्टेक्ट किया है कि हमने जो है इंग्लिश सीखनी है. इसी तरीके से जो खवातीन जो बैठी हुई हैं घर में, चाहे वो वर्किंग लेडी हैं या हाउस वाइफ हैं, उन्हें चाहिए कि वो आपसे क्लासेस लें. जो मेरे से क्लास नहीं लेना चाह रही या ले नहीं सकती, थोड़ी सी मेरे और जो मेरे से क्लास लेना नहीं चाहती या नहीं ले सकती, उनको क्या मशवरा है?
राइट, जरूरी तो सर नहीं कि वो हर एक फिर में लिखा रहता लिसनिंग हो। करें, लिसनिंग राइट, करें सर, वो कैसे ज्यादा से आपका ज्यादा तजर्बा जो जो है है, ना वो आपका जो अप्रिशिएट लिसनिंग का जो तजर्बा है वो शेयर करें ना, जो मेरे से क्लास लेना नहीं सर। चाहते या ले नहीं सकते कि कोई वजह होगी, उनके लिए भी तो कोई सोल्यूशन देना है ना। ये वीडियो सिर्फ हमने मेरे क्लास लेने वालों के लिए तो नहीं बना रहे ना, हम ये हर एक जी के लिए बिल्कुल बना रहे सर, हैं ताकि बिल्कुल। लोग मेरे से लेना हाँ चाहें जी तो वो तो ज़ाहिर आप रेकमेंड करेंगे कि मेरे से सीख सकते हैं, जी आपने मुझसे सीखी है जी तो आप यही रेकमेंड करेंगे कि मुझसे सीखें सब, लेकिन जो जी नहीं सर, ले फर्स्टली सकते तो या मैं लेना नहीं रेकमेंड यही चाहते। करूंगी, राइट, ओके, फर्स्टली ठीक तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि सर अकमल से सीखे। अगर उनके कुछ इश्यूज हैं, जाहिर सी बात है सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि वो जो है ना ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें, चाहे कोई मूवी देख लें, कोई सॉन्ग सुन लें, कोई कार्टून देख लें, कोई ड्रामा सीजन कुछ भी देख लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लिसनिंग पे फोकस करें, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं हमें तो समझ ही जितनी नहीं आती तो अच्छी क्या करें, समझ ही नहीं आई, समझ आएगी तो देखें। तो सर अकमल से जो है रापता करें। नहीं, फिर भी अकमल को थोड़ी देर के लिए बाद में रखें ना, अकमल को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखें। अगर लिसनिंग नहीं आ रही समझ तो फिर क्या करें, कौन बताएगा क्या करें? अकमल की क्लास भी नहीं लेना चाहते या ले नहीं सकते आपकी सर? वीडियो, आपकी आपकी वीडियोस, वीडियोस देखनी यस चाहते हैं, यस, वीडियो से सारी भी देखें। हाईलाइट, आपका स्किल सेट जो है ना वो बाय कर सकती हैं, तो वो बाय करें। वीडियो कोर्स हाँ ले सकती हैं, जो हाँ जो वीडियो क्लास भी नहीं ले कोर्स ले सकती, सकती वीडियो हूँ कोर्स भी नहीं ले सकती, वो क्या करें? किसको याद सर। है कि वो वो ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, उनको फॉलो करें, उनको देखें, सबका और जवाब गलत यस है, सबका जवाब गलत है। मेरी वीडियोस सर देखना सर जरूरी सर नहीं सर मैं है। बताऊँ। यस, हाँ जी जी बताएं सर, जी मैं ये कह बताएं। रही हूँ कि बेशक उन्हें समझ नहीं आती है, लेकिन वो सुने, जितना ज्यादा सुनेंगे उन्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट यस में नहीं यस, आएगी, दैट्स उन्हें द राइट वन। थोड़ा मुझे मुश्किल पता है ना, होगा, क्योंकि मुझे पहले भी जी कॉन्फिडेंस था कि किरण को सही समझ आए। राइट, सुनने हैं अंग्रेजी को, जी नहीं भी समझ आती, यस नहीं भी समझ जी आती तो सुनना कोई है। बात नहीं, आप आज सुनना शुरू करें, 50 दिन तक लगातार एक डॉक्यूमेंट्री देखें, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतर फर्क पड़े, अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप मेरा वीडियो कोर्स ले सकते हैं या क्लास ले सकते हैं। लेकिन आखिरकार बात एंड पर कहाँ पहुँचनी है? सुनने पर, आप सुननी है अंग्रेजी। राइट, सुनने पर, सही बात। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच तैयबा, यू डन अ वेरी गुड जॉब, यू बिन वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द वे, यू स्पोकन थैंक यू वेरी सर। गुड। इट डजन फ्रॉम योर स्पीकिंग नो बडी कैन हैव एनी आइडिया दैट आप पहले दिन बोली हैं। राइट, कोई ये कह ही नहीं यस सर, सकता, मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ कि ये, मैं बल्कि कम हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो सुनना शुरू करता है, जो सुनता है, उसके रिजल्ट ऐसे आते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट नहीं है कि अकमल ने सिखाया तो आपको अंग्रेजी अच्छी आई है, अकमल का भी हो सकता है, मेरा भी किरदार हो कहीं 1%, 2%, लेकिन असल किरदार है आपका कि आपने जो बात आपको बताई गई उस पर भरोसा किया आपने। ठीक है, असल जी सर, कमाल क्योंकि आप बताया लोगों का है, आपने सर। असल कमाल मेरा नहीं है, असल कमाल आप लोगों का है कि जो बात आपको बताई जाए उस पर भरोसा करें। ठीक जी है, कई फॉलो मरतबा हम किया, समंदर के ऊपर से खड़े होकर, किनारे पर खड़े होकर खाली हाथ लौट आते हैं, प्यासे लौट आते हैं। ठीक है, गो के समंदर का पानी खा रहा होता है वो एक अलग, जी सर, फिर हमें ना, कई मरतबा कुएं के ऊपर खड़े होकर हम वापस आ जाते हैं, इसलिए कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जरूरी है कि किसी को गुरु मानो, सबको मशवरा है मेरा, आपको भी, जी आप तो सर, जाहिर है मान के ही आए हैं, किसी को अपना एक को, बहुत सारे लोगों को गुरु मत बनाएं। राइट, ये मैं आपको सबको रेकमेंड करता हूँ, आप जी यूट्यूब में सर, जो मेरी क्लास में हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सबको गुरु मत बनाएं। बहुत सारे कमाल के दुनिया में लोग हैं, सबको अपना गुरु मत बनाएं, गुरु किसी एक को बनाएं, एक की बात फाइनल सुने, देखें वैसे देखना चाहिए दुनिया को सारा, लेकिन किसी एक को भरोसा करके, जब आप भरोसा कर लें तो फिर चुप करके ब्लाइंड फेथ के साथ आप चलें, आप किनारे लग जाएंगे। सही है, आप किनारे लग जाएंगे। आप लोगों ने भरोसा किया, आप लोग आए, आप जुड़े, आपने शुरू किया, और जैसे बताया गया आप करते गए, तो वी आर सीइंग द रिजल्ट टुडे। ठीक है, 35 दिन हमने सुनी है अंग्रेजी चुप करके, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान थे, सर हमें बोलना कब आएगा, सर हम बोलेंगे कब? मैं कह रहा था कि रुको, ठहरो, आ जाएगा वो भी वक्त, ऐसा ही हुआ था ये बात। ठीक है, यस बहुत सर, उतावले बिल्कुल हो रहे थे बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स के साथ, हम बोलेंगे कब, बोलना हमें कब आएगी, मैं कह रहा था सिर्फ सुनो, आप सिर्फ भरोसा रखो कि ये पहला महीना सुनो, फिर जब हम बोलेंगे तो आपको इतराक होगा कि कितनी आपको आई है। राइट, तो थैंक यू फॉर जी सर, ट्रस्टिंग मी, मेरा करेक्टर इसमें कम है, आप लोगों ने जो बात आपको बताई गई उस पर भरोसा किया आपने और उस पर खड़े रहे, तो हेयर यू आर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात सुन के कहीं से भी हमें ये लगता नहीं है कि आप पहले दिन बोल रही हैं। राइट, मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, और सेम विल गो विद जी अदर सर, पीपल, जो पहले दिन पहले नहीं बोली कभी अंग्रेजी, सिर्फ 35 दिन की लिसनिंग करके अब वो बोलने के काबिल हुई है, तो ये ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोगों को और भी नहीं होगा, बट हकीकत यही है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको बोलना आएगा, यही बात साबित करना चाह रहा हूँ।
मैं ये बात अभी प्रैक्टिकली साबित करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 1100 वीडियोस में यही बातें करता आ रहा हूँ कि आप सुनो आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन अब आप स्टूडेंट्स को मेरे साथ सुनने की ट्रेनिंग लेने के बाद अब आप उनको बोलते देख रहे हैं, तो शायद आप भरोसा ज़्यादा कर सकेंगे। बाद में यही अपने वीडियोज़ में करता है। थैंक यू वेरी मच तैयबा। विल गो टू नाउ अदीला। अदीला आप अपना माइक खोलें और लेट्स टॉक इन इंग्लिश, और आप देखते हैं कि आप कितना कितना बोलने के काबिल हुई हैं, क्योंकि अदीला को बोलना आती है, सिर्फ भरोसा नहीं हो रहा उसे, मुझ पर भरोसा है खुद पर नहीं हो रहा, राइट। द ओनली प्रॉब्लम जिसमें मैं अभी तक लगातार नाकाम हूँ कि वो मुझ पर भरोसा करती है खुद पर नहीं करती, राइट। सो हियर वी गो विद अदीला। अदीला हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अदीला, हाउ इज एवरीथिंग? हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑलवेज फाइन, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम मोर फाइन एज यू आस्क्ड इट, राइट। Okay. Yes, sir. Adila, how has been your experience learning English? Sir, I have experienced English first day. I really confused. I cannot speak English. I speak English day by day. I learn. You teach us. You watch documentary, cartoons, and song. I focus your advice. I speak much better before then. I am built my confidence. I speak slowly. So how did you learn this language? Dila, now share your experience. How did you learn to speak? Did you learn speaking or did you learn listening? How was your experience? I learn speaking, I listening documentary, I watch documentary, listening day by day, then I speak English slowly. I speak much better. Right. Okay. अब मैं जो YouTube पर देखने वाले दोस्त हजरात हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं फैसला करवाऊंगा कि कहीं से आपको लगा है अदीला का कॉन्फिडेंस चेक हुआ है या उनको अंग्रेजी नहीं आती। अदीला पहले दिन प्रॉपर अंग्रेजी बोल रही है, इससे पहले सिर्फ लिसनिंग करवाई गई है, उनकी कन्फ्यूजन नहीं मुक रही। अब सब लोग एक कमेंट करके यूट्यूब पर अदीला को बताएं कि आपको अंग्रेजी आती है। मैं बता थक गया हूँ, ठीक है, मैं बता थक गया हूँ कि आप सही जा रहे हैं, सही तक वो फिर कह रही मैं कन्फ्यूज, राइट। एक चीज़ जो लगातार जिसमें मेरे जैसा बंदा लगातार नाकाम जा रहा है, मेरे जैसा बंदा जो कॉन्फिडेंस सिखाता है लोगों को, मैं लगातार नाकाम हूँ ये कॉन्फिडेंस देने में कि तुम बोल सकती हो, राइट। अभी भी उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, हालांकि वो अंग्रेजी में बोल रही, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं यूट्यूब पर देखने वाले ख्वातीनों हजरात को, स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो अदीला का नाम लिख के मैसेज करें, कमेंट करें कि अदीला आप एतमाद रखें, आप बोल सकती हैं। शायद मेरी बात नहीं मानेगी अदीला, लोगों की बातें सुन के शायद उसे एतमाद आ जाए कि वो बोल रही है अंग्रेजी अच्छी, राइट। No, sir, I believe you, sir. Right. Good for you. Thank you very much. अच्छा, अगली क्लास के स्टूडेंट्स हमारे साथ आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पहला सेशन हो रहा है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का भी टेस्टिंग रहती है, उनका तारुफ रहता है, तो मैं चाहूँगा कि बाकी भी वन बाय वन करके पिछली स्टूडेंट्स क्लास में से जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा बोलें। अभी नई पनीरी जो है, अगली क्लास की पनीरी जो अभी लिसनिंग सिर्फ हो रही है, उनके स्टूडेंट्स तो भी आ रहे हैं, उनको हम नहीं बुलवाएंगे अभी, उनकी सिर्फ लिसनिंग करनी है, ठीक है। तो अदीला आपको सब लोग कह रहे हैं, हुमा कह रही है कि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, हुमा ने तो कह दिया। हुमा ये आपने कमेंट करना है यूट्यूब पर, यूट्यूब की वीडियो पर, ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, वहाँ कमेंट करना है क्योंकि अदीला को अंग्रेजी आ गई है, एतमाद नहीं आया, सही है। हालांकि मेरा काम अंग्रेजी देना था, एतमाद देना मेरा मकसद नहीं था, ठीक है, अंग्रेजी आ गई है, एतमाद नहीं आया, तो एतमाद देना। ओके, वो पहले दिन कह रही थी सर जेड़े दिन मैनू अंग्रेजी आ गई ना। वालेकुम सलाम अदीला, लगातार मुझे कह रही थी सर जिस दिन मुझे अंग्रेजी आ गई ना पता नहीं आसमान उलट जाएगा, ऐसे ही कह रही थी ना अदीला। इंशाल्लाह मैं भी सोचती हूं हुन अंग्रेजी अदीला आ गई जी। हां अदीला, आपको याद है ना आपने कहा था मैं पिज्जे खिलाऊंगी क्लास वालों को, ये याद है ना? यस सर, जिस दिन आपने कहा था जिस दिन मुझे अंग्रेजी आ गई मैं पिज्जे खिलाऊंगा, राइट, खिलाऊंगी, है ना? जी सर, जी ठीक सर। है, अब आ गई बारी, बताएं जी। अच्छा जी, आप बताएं अंग्रेजी बोल रही है कि नहीं बोल रही अदीला, ठीक बोल रही है, बताएं सब लोग। यस सर,
लो जी अदिला, एक पिज्जा तो हो गया हुमा के लिए, और बताएं और कौन कौन बताए जी? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा बोल। पिज्जा हो गया और यस सर, यस सर, मुसरत कह रही है, मुसरत का पिज्जा हो गया। जैनी कह रही है ओके जी। और लो जी उसका भी पिज्जा हो गया। अदिला फ्री होम डिलीवरी की तरह तो सारे यस यस कह ही जाए ऑटोमेटिकली। देखे ना, उन्होंने शर्त लगाई थी जिस दिन मुझे अंग्रेजी आ गई। रियली शी इज वेरी गुड स्पीकर। यस सर, बिल्कुल राइट। मतलब बात ये है, पिछली आप जो नई क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता नहीं होगा, पिछली क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ अदिला ने कहा था जिस दिन मुझे अंग्रेजी आ गई मैं सबको पिज्जा खिलाऊंगी। राइट राइट सर, ये कौन सी क्लास क्लास है? ये वाली, ये बेटा अभी नई अगली वाली क्लास होने वाली शुरू, पिछली थोड़ी खत्म कर ले हम, ठीक है? आज उनकी स्पीकिंग हो रही है, आप लोग मेरे साथ रहे। जो नई क्लास के हैं उन्होंने स्पीकिंग अभी नहीं करनी, अभी आपकी लिसनिंग करनी है। पिछली क्लास वाले थोड़े से बोल रहे हैं, आज उनका पहला दिन है बोलने का, ठीक है? उन्होंने 35 दिन पहले लिसनिंग की है, आप भी इसी तरह 35 दिन लिसनिंग करेंगे। और कहाँ पहुँचेंगे आप? आप अपना थोड़ा सा आईना देख रहे हैं अभी आज, यानी 35 दिन बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? आप जो पिछली क्लास है, आपसे पिछला बैच, वो 35 दिन सुनने के बाद कहाँ पहुँचे हैं, उनको अभी आप सुन के इदराक करें कि वो कहाँ पहुँचे और इसी तरह आप कहाँ पहुँचेंगे। राइट, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, हमारे पास वी लेफ्ट विद मायरा, लेट्स गो विद मायरा। बाकी लोग अपने माइक ऑफ रखें ताकि जिसकी बारी है सिर्फ वो बोलें, ताकि बाकी को नॉइज ना आए। हुमा आप भी बंद कर लें, सादी आप भी माइक बंद कर लें, हसनैन आप बंद कर लें। मायरा, यस मायरा, प्लीज ओपन योर माइक एंड टॉक। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू मायरा? यस आई एम फाइन, गुड। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ऑन लर्निंग इंग्लिश? मायरा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Myra, are you there with us? Are you there? I think Myra is having a trouble with internet. Myra, can you listen us? Like, are you there? Can you? Are you getting my signal properly? Yes, sir. Okay. So, how has been your experience with learning English? Can you speak English? Yes. All right. Tell us about your. Please introduce yourself. I'll give you a simple topic, simple task to do. Just introduce yourself. Who do you are? Who are you? Where do you live? What do you do? What's your qualification? What's your age? Anything you want to tell us. Yes. Can you tell us what's your age? How old are you? 14. Or... You're 14, right? You're 14. What's your qualification? Yes, sir. What is your qualification, Myra? Are you not able to listen to me, or are you not confident to speak so far? Yes. What do you mean, sir, by yes? I am Pakistani. You are Pakistani, I know that. Yes. Okay. Anything else you want to talk? Yes, it is Kerber. Sorry? City? Tharparkar, right? Khairpur. Khairpur. You're from Khairpur, right? Okay. Yes. And Myra, what are your missions in life? What do you want to become in your life? Life. What are your missions? What do you want to become? You want to become a doctor, lawyer, engineer? Who do you want to become? You want to become a doctor, right? Okay. Doctor. Okay. सो मायरा, आप थोड़ा कम बोली हैं, लेकिन बोली हैं, वेरी गुड। आप बताएं आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बाकी बात उर्दू में बताएं ताकि सबको पता चले। सर मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ, यस, और 3-5 देख गई हूँ। आपने बोला इतना सुनेंगे इतना आगे बढ़ोगी, राइट? तो मैं जितना सुनती हूँ इतने ही आगे बढ़ूंगी। राइट, तो सुनने से फर्क पड़ा है कुछ आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, स्पीकिंग में, कॉन्फिडेंस में? यस। और आपने बोला इतना पढ़ोगे सुनोगे तो इतना आगे बढ़ोगे। राइट, गुड, इंशाल्लाह आप बढ़ोगे, बिल्कुल ठीक है। लेट्स गो विद, थैंक यू वेरी मच मायरा, आप माइक बंद कर लें। लेट्स गो टू अक्सा। अक्सा ने हमें मिड में ज्वाइन किया है, पूरी क्लास पहले दिन से उन्होंने नहीं ली, दरमियान में से ज्वाइन किया है, और जितनी उनकी अभी ट्रेनिंग हुई है उसके मुताबिक देखते हैं कि अक्सा किस हद तक कर पाई है।
उन्होंने 35 days की प्रॉपर फुल क्लासे नहीं ली हैं, कुछ ली हैं, और उसके रिस्पांस में आप देखते हैं कि अक्सा कहाँ पहुँची है। अक्सा, कैन यू ओपन योर माइक प्लीज? इज अक्सा विद मी? कैन यू लिसन मी अक्सा? अक्सा आर यू देयर? यस। वालेकुम सलाम अक्सा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक यू। ओके अक्सा, टेल अस योर एक्सपीरियंस, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, एंड कितनी क्लासेस आप इस सेशन में ली हैं? शाम वाले क्लासेस में आपने कितनी ली हैं क्लासेस? टेल इन इंग्लिश। 1 week। यू हैव बीन टेकिंग जस्ट 1 week, राइट? आई एम नॉट सैटिस्फाइड। ओके, यू आर नॉट सैटिस्फाइड अबाउट व्हाट? आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद डॉक्यूमेंट्रीज। एक हफ्ते में क्या सैटिस्फेक्शन मिलेगी, राइट? जब 35 दिन की तरह आप देखोगी तो आपकी सेटिस्फेक्शन आएगी ना, राइट? बट एनी वेज, वी आर विलिंग टू लर्न योर एक्सपीरियंस। हाउ इज योर एक्सपीरियंस, एनी गुड और बैड एक्सपीरियंस? वी आर विलिंग टू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन दैट, राइट? मुस्कान माइक बंद रखें। यस यस अक्सा, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन टॉकिंग। यस यस अक्सा, यस यस कैरी ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन टॉकिंग। मैं ये कह रही हूं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट्री की समझ नहीं आ रही क्योंकि एक हफ्ते में कितनी समझ है? अभी मुझे 1 week हुआ है। हां तो 1 week हुआ है ना, तो आप लगा, इसका रिजल्ट ये है, इसका जवाब ये है कि जैसे बाकी पेशेंटली बड़े सब्र के साथ जिन्होंने, जब बाकी ने सुना है, आप भी सुनोगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है? लिसनिंग वाला अगले सेशन में भी आप ज्वाइन किया करो क्योंकि वो अभी लिसनिंग स्टार्ट हो रही है, राइट? अगला जो सेशन है ना, अभी जो नया सेशन अभी आ गए हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ आप भी सुनना शुरू करो, जो कि कमी रह गई है ना पिछले क्लास की नस्बत, आपकी अभी कमी है ना, उन्होंने 35 दिन लिसनिंग की, आपने एक हफ्ता लिसनिंग की है, तो जितने गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, राइट? ठीक है, तो आप लिसनिंग वाली क्लासों में भी शामिल हों और आप स्पीकिंग भी किया करें, अब थोड़ा थोड़ा बोला करें आप, राइट? आई वॉन्ट यू एंगेज टूडे, जैसा भी है, जैसी भी है, टूटी फूटी जैसी भी है, एक हफ्ता लिसनिंग के बाद, एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ पहुंची हैं उसको हम टेस्ट कर रहे हैं अभी। Tell us, where do you live? What do you do and where do you live? ना, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। आप अगर हमारी बात आपको बुरी लग रही है तो पीछे बच्चा को रो रहा है। Yes, I understand. I was just joking. Thank you very much, Aksha. Anyways, आप जो है listening की क्लास, जो अगली जो 9 बजे वाली क्लास शुरू हुई, इसको भी बैठा करें आप, ठीक है? इसमें भी बैठा करें ताकि जो कमी आपकी लिसनिंग में है अभी वो पूरी हो जाए, और आप 8 बजे वाली क्लास में स्पीकिंग भी क्या करें। अब 8 बजे वाली क्लास हर रोज स्पीकिंग करवाएगी और 9 बजे वाली क्लास लिसनिंग करवाएगी, दोनों को ज्वाइन किया करें ताकि जो कमी आपकी रहेगी पीछे वो पूरी हो, और जल्दी आपको हमने अपियर करवाना है एवल टेस्ट में, राइट? अदीला रेडी है? अदीला, मेरी तरफ से आप ओके हैं, आप अपना एडमिशन भिजवाना चाहें आप A1 में जा सकती हैं। अक्सा, आप जो है तकरीबन 15 दिन और सुने, ठीक है, लिसनिंग की ट्रेनिंग लें, और साथ ही 8 बजे वाली क्लास में स्पीकिंग भी करें, इंशाल्लाह यू विल बी गेट, यू विल बी ओके, यू विल बी वंडरफुल, राइट? ठीक है सर, अगर ओके, सर अगर yes. हम 8 बजे वाली क्लास में स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप आना चाहें आ जाएं, लेकिन बेहतर है, बेहतर आपके लिए है कि आप बिल्कुल सब्र के साथ इनसे मशवरा लें। किरण बताएं, मशवरा दें इनको, बच्चे को जो पूछ रहा है, वो कहता है जी मैं भी इसी क्लास में आपके स्पीकिंग करना चाहता हूँ। नहीं सर, अगर ये करना चाहते ठीक है, लेकिन आराम आराम से चलें, एकदम जो है ना फास्ट ना चलें, जितना आराम आराम से चलेंगे इनके लिए उतना अच्छा। तो अभी अभी किरण क्या मशवरा है, वो स्पीकिंग भी शुरू कर दें साथ या सिर्फ लिसनिंग करें, बताएं? सर अभी जस्ट ये लिसनिंग करें, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज, कार्टून, फिल्म, म्यूजिक हो सकता है सुने, जितना ही ज्यादा सुनेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही है। तो जिशान, आपको बेटा समझ आ गई है, अगर आप सब्र के साथ चलोगे तो बड़ा मीठा फल आपको मिलने वाला है, राइट? अभी से आप लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में एंगेज करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? सर ये दोनों करेंगे तो फिर इसके जो इंग्लिश के बेसिक रूल्स हैं फिर इनके रह जाएंगे, फिर वो नहीं समझ मतलब सकेंगे, फिर मिक्सअप हो जाएगा ना, मिक्सअप हो जाएगा, राइट? मशवरा ये है, करना चाहे हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है, जो कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ रजिस्टर्ड है, वो 4 साल पहले भी रजिस्टर्ड हुआ था, वो मेरी कोई भी रनिंग क्लास हो रही है उसमें शामिल हो सकता है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि जो तरतीब हम दे रहे हैं उस तरतीब के मुताबिक चलें, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हमारी तरफ से रुकावट कोई नहीं, आप किसी क्लास में भी कोई स्टूडेंट आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि जो एक तरतीब हमने पकड़ी है आप उस तरतीब के मुताबिक चलें, तो ये बेहतर है आपके हक में, राइट? आप अगर बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो तरतीब हमने दी है आप उसी तरतीब के मुताबिक चलें तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको।
आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए या अंग्रेजी है, क्या चाहिए आपको, क्या प्लान है? ठीक है, ये सबको, मैं सिर्फ जिशान को जवाब नहीं दे रहा, सबको कह रहा हूँ कि अगर आप जो तरतीब हमने दी है उस तरतीब के मुताबिक से चलोगे तो फिनिश लाइन पर आप एक विनर के तौर पर निकलोगे बाहर, राइट। आखिर फैसला तो फिनिश लाइन पर होता है ना, दरमियान में आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो फिनिश लाइन है जहाँ पर ये डिसाइड होना है कि तुम विनर निकले या लूजर निकले, वहाँ पर फैसला होना है। अगर आप, मैं जो तरतीब दे रहा हूँ उस तरतीब से चलोगे तो फिनिश लाइन पर आप कामयाब निकलोगे। शर्त यह है कि आप फिनिश लाइन तक मेरे साथ चलो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलो, ठीक है? इंशाल्लाह सर, राइट, ओके जी। मैं जो यूट्यूब पर वाले दोस्त हैं उनसे इजाज़त चाहूँगा कि अगली क्लास हमारी आ गई है, बाकी लोग खामोश रहें थोड़ी देर के लिए, मैं फिनिश कर लूँ वीडियो को। तो आज आपने जो मेरी बैच 11 के स्टूडेंट थे इनकी इनिशियल वीडियोज़ हैं, जब इनको शुरू करवाई थी लिसनिंग, उनकी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर डाली हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगस्त पर, जो बल्कि 6-7 में हमने डालना शुरू की थी, वो वाली वीडियोस देखें, इनको मैंने इनिशियल जब शुरू करवाई थी वहाँ से शुरू होकर आज 35 दिन तक की लिसनिंग करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स पिछली क्लास के थे सभी बोले हैं, कुछ बहुत कॉन्फिडेंट बोले हैं, कुछ कम कॉन्फिडेंट बोले हैं, बट बोले हैं, पहले दिन वो बोले हैं, राइट। पहले मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता, पहले दिन वो सिर्फ मुँह ही खोल पाएँ, थोड़ा सा अड़ते हुए बोल पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन दे हैव स्पोकन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ उसकी बुनियाद ये है, उनका फ़ायदा ही, उनका वजह ये हुई है कि उन्होंने लिसनिंग की है, जैसे उनके रिकमेंड किया गया, जैसे उन्हें कहा गया उस बात पर उन्होंने इत्माद रखा। बहुत सारी बातें सीखना कमाल नहीं होता, जो बात थोड़ी सी सिखाई गई उस पर इत्माद रखना और उसको फॉलो करना, ये कमाल होता है। टीचर का कमाल नहीं होता, सीखने वाले का कमाल होता है, वो टीचर की पूरी बात को हूबहू फॉलो करता है। टीचर बहुत बाकमाल आते हैं, बहुत बाकमाल आपको असातिज़ा मिल सकते हैं, लेकिन उनका बाकमाल होना आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा तब तक नहीं ला सकता जब तक आप उनकी पूरी रेसिपी को, पूरे डिसिप्लिन को हूबहू एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते जैसा बताया गया। तो इन स्टूडेंट्स ने जैसे बताया गया, जैसे ट्रेनिंग दी गई, इन्होंने सब ने वैसे ही फॉलो किया। एंड टुडे टू माय सरप्राइज एंड एवरीबॉडी इज सरप्राइज कि सिर्फ लिसनिंग करके अभी स्पीकिंग पहले नहीं की और पहले दिन स्पीकिंग की है, दे आर टॉकिंग इंग्लिश, उन्हें अंग्रेज़ी में या किसी उर्दू ज़ुबान या किसी दूसरी ज़ुबान की सपोर्ट नहीं देना पड़ी बात को कहने और समझाने के लिए, उन्होंने अपनी बात कह पाए पहले दिन से ही, ठीक है। सिर्फ लिसनिंग की क्लासे लेने के बाद, हालांकि स्पीकिंग अभी नहीं करवाई, अब स्पीकिंग हमने आज एंगेज किया शुरू। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, जैसे बताया गया, टीचर के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हूबहू लबैक कहते हुए वो मंजिल यहाँ तक आ गए हैं, और फिनिश लाइन जब ये क्लास ख़त्म होगी 2 महीने मुकम्मल करने के बाद, दे विल बी स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने एतमाद की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जैसे बताया जा रहा है, जैसे सिखाया जा रहा है, जब ये उसको हूबहू फॉलो करेंगे तो यहाँ तक ये आके स्पीकिंग करने लग गए हैं, तो 2 महीने का कोर्स मुकम्मल करने के बाद दे विल बी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स, और किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी टाइप की कन्वर्सेशन में दे विल बी एबल टू टॉक वेरी गुड एंड वेरी कॉन्फिडेंट इंग्लिश, इंशाल्लाह। ये मैं अपने पिछले जो सेशंस हैं उनसे एतमाद जो मुझे मिला है कर करके, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो यूट्यूब पर देखने वाले दोस्त अहबाब से भी यही गुजारिश है, आप भी सुने अंग्रेज़ी को, आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग को अभी छोड़ दें, सिर्फ सुने, सुनना आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आपकी सीधी होने शुरू हो जाएंगी। आप खुद से सुनना चाहें तो स्टार्ट वॉचिंग सम डॉक्यूमेंट्रीज, आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज निकाल लीजिए, उनको आप शुरू में देखेंगे, आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी, मुश्किल होंगी, लेकिन अगर आप लगातार करते जाएंगे तो थोड़े वक्त के बाद आपको थोड़ी थोड़ी समझ पड़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो लंबा पेंडा नहीं काटना चाहते, तो मेरी लाइव क्लासेस इसी तरह जैसे ये क्लास हो रही है, आप भी, मेरा स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, उस पर रब्ता करके आप भी अपनी एनरोलमेंट करवाएं। और आगे हम दिन में भी ये क्लास शुरू करें, शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 3 क्लासें शाम को प्लान होती हैं, 1 क्लास दिन में होती है, उनमें से किसी टाइम में भी आपको क्लास मेरे साथ आगाज़ कर सकते हैं। भरपूर उम्मीद के साथ मैं आगाज़ करता हूँ कि क्लासें ये लेने के बाद आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलने के काबिल हो जाएंगे, और ये पिछली जो क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उनसे जो मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके बुनियाद पर कह रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस इस क्लास में भी साबित हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे चल के अगली क्लासों में भी इंशाल्लाह। ये जो नई पौध आ रही है अभी, जो अभी नई 9 बजे वाले स्टूडेंट्स अभी ऐड हुए हैं, ये भी 35 दिन बाद आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। 35 दिन बाद इनका एक सेशन हम रखेंगे पिछले स्टूडेंट्स के साथ, तब के पिछले ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, नए वाले कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो बोलने के काबिल होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये सब भी सीख रहे हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप
चाहे मेरी क्लास में नहीं है, पर्दे के दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप भी इन वीडियोस से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएंगे। दो सारे जो 2 महीने का कोर्स है वो पब्लिश हम नहीं करते, सिर्फ सैम्पलिंग करते हैं आपके सामने। कभी कभार कुछ वीडियोस हम आपके लिए लाइव करते हैं। तो अगर आप तरतीब से सीखना चाहें तो 2 महीने का कोर्स मेरा इसी तरह जूम पर हो रहा है, पूरी 2 मंथ्स का कोर्स होता है, 44 तकरीबन क्लासेज होती हैं। तो जब आप वो पूरी क्लासेज नए लोग भी लेंगे तो दे विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सब भरोसा रखें, मेरे ऊपर भी, अपने ऊपर भी, अपने ऊपर ज़्यादा मेरे ऊपर चाहे कम रखें, खुद के ऊपर भरोसा रख के मंजिल के दूसरी तरफ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।